हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर मैं लेके आ गई हूँ अमेज़ॉन का शॉपिंग हॉल, और ये हॉल है विधि के लिए, मतलब मेरी बेटी के लिए। तो देखिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, साथ में कुछ और एक दो चीज़ें खरीदी है। लॉकडाउन डेज थे, कहीं भी बाहर नहीं जा रहे थे। वैसे तो अभी भी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी ये है कि हाँ इमरजेंसी में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो कहीं नहीं गई अभी तक। एक बार ही गई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये मैंने 2 वीक्स पहले ही ऑर्डर किया था और आ गया था ये 3-4 दिन के बाद ही। लेकिन हर चीज़ एक साथ नहीं आई थी, रुक रुक के आई थी, कभी कोई चीज़ आ गई फिर कोई चीज़ आई, इसलिए एक साथ में हॉल बनाना था मुझे। तो मैंने वेट किया और कुछ चीज़ें उसने पहन भी ली है, यूज़ भी कर ली है, तो उनका रिव्यू भी दे दूंगी मैं आपको, क्योंकि वो यूज़ भी हो चुकी है। तो चलिए देखिए क्या क्या शॉपिंग की है मैंने विधि के लिए। और अगर अच्छा लगता है आपको मेरा वीडियो तो लाइक दे दीजिएगा, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के और लाइक देने के। और साथ में अगर घर बैठे आप सिंगापुर घूमना चाहते हैं तो मेरी सिंगापुर की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली सब शेयर भी करिएगा, जिससे कि वो भी घर बैठे सिंगापुर घूम सकें। और अगर कोई भी क्वेरी है सिंगापुर रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सैटरडे और संडे को मैं सिर्फ सिंगापुर रिलेटेड ही वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। तो चलिए देखिए मेरा अमेज़ॉन का शॉपिंग हॉल, अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये सारे पैकेट्स एक एक करके नहीं आए थे, सब अलग अलग आए थे, और विधि को ही अपनी अनबॉक्सिंग करनी थी। तो विधि ने सब पैकेट्स को वन बाय वन खोला है, तो चलिए देखिए क्या क्या मंगाया है विधि ने अपने लिए। और ये सारी चीज़ें चॉइस भी उसी की है, क्योंकि अपनी पसंद की चीज़ें उसने मंगाई है सब। तो देखिए क्या क्या मंगाया है, और अगर आपको चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। No one is you, that's your superpower. So nice. Thank you, Mama. बहुत अच्छा है, इधर से तो मैं कभी ऐसे सोचती नहीं थी इतना अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो जैसे कि बहुत गर्मी पड़ रही है लखनऊ में और सारे कपड़े बच्चों के बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो सेम वैसे ही था। विधि के लास्ट ईयर के जो भी समरी टी शर्ट्स थे वो सभी टाइट हो गए थे, कुछ छोटे हो गए थे, कुछ ख़राब हो गए थे, तो डेली उसके लिए उसके पास नहीं था। और प्लस मुझे लूज़ कपड़े गर्मी में पसंद आते हैं, तो ये सेकेंड टी शर्ट है देखिए जो उसने मंगाई है, यूनाइटेड कलर्स बेल्टॉन की है, ये नेवी ब्लू कलर की है, थोड़ी ट्यूनिक स्टाइल में, थोड़ी सी लॉन्ग हाइट है इसकी। और ये है थर्ड टी शर्ट जो कि विधि ने खुद चूज़ की थी, मिनी माउस की, और ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है। ये है रेड, और मिनी माउस मिकी माउस ये तो सभी बच्चों का फेवरेट होता है। तो एक पिंक है, एक नेवी ब्लू है, और ये है रेड। नेवी ब्लू मेरी चॉइस है, और ये दोनों विधि ने खुद चूज़ किए थे। तो ये 3 टी शर्ट्स मंगाई थी जो विधि ने अपने पसंद से ही मंगाई थी, और वो बहुत एक्साइटेड थी। तो ये तीनों चीज़ें उसकी हो गई। अब इसके बाद उसने एक और चीज़ मंगाई थी, लेकिन वो चीज़ जो है कुछ दिन पहले टी शर्ट से पहले ही आ गई थी, और उसके साथ में मेरे हस्बैंड ने ये एक पिन पॉइंट भी मंगाया था, प्लग मंगाया था, जो कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सिंगापुर की हैं तो उसके पिंस अलग होते हैं, और यहाँ के इंडिया के पिंस अलग होते हैं। तो देखिए पहले जैसे ही पैकेट आया, क्योंकि एक्साइटमेंट था खोलने का, तो उसको पहले वाइप किया गया, डिसइंफेक्ट किया गया, उसके बाद उसको ओपन कर रहे हैं। तो इसमें है विधि का आईपैड का कवर, जो कि उन्होंने ही चूज़ किया है। आईपैड क्योंकि कुछ दिन पहले ही आया था तो उसका कवर नहीं ले पाए थे, और साथ में आईपैड के कवर के साथ ये वाला पॉइंट भी मंगाया था मुझे किचन के लिए। और कभी कभी मिक्सी वगैरह लगानी होती है, तो मेरी सारी चीज़ें क्योंकि वैसी ही हैं तो उसकी वजह से मुझे ये वाले पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो और घर में उस तरह की फिटिंग नहीं है, तो ये मंगाया। और साथ में ये वाला है आईपैड का कवर, तो ये आईपैड का कवर भी विधि की चॉइस है। मैं तो बोल रही थी कोई कार्टून वाला ले लो, कोई डार्क ब्राइट सा ले लो, लेकिन उसको वाइट कलर लेना था। पिछली बार का जो था वो डार्क कलर का था, इस बार उसने ये चूज़ किया, लेकिन ये बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही शाइनी है, अच्छा सा है, मतलब कूल है बहुत, तो मुझे पसंद आया बाद में। और उसने खुद ही फिट किया अपना कवर, और चॉइस भी उन्हीं की थी, और उनको ही अच्छा लेना था, रखना भी उन्हीं को है, तो फिर फाइनली उनका आईपैड का कवर उनकी ही चॉइस का आया। तो इन सभी की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद जो प्रोडक्ट है ये मैंने मंगाया है, मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए ऑर्डर की है, मतलब कि अपने घर के लिए ऑर्डर किए, किचन के लिए। हमारा तो काम नाम किचन ही, काम नाम नाम सब कुछ किचन हो गया आजकल, तो हर चीज़ किचन में जो ज़रूरत होती है। तो बस ये मैंने एक मंगाई है कॉपर की बॉटल, जो कि प्रेस्टीज की है तत्वा, और मुझे कॉपर ग्लासेस हैं मेरे पास 2, मेरे पास बॉटल नहीं थी। और क्या होता था कि अभी बॉटल चाहिए होती थी, अभी हम लोग ज़्यादा मेम्बर हो गए तो ग्लास से काम नहीं चल रहा था, तो इसलिए
मैंने एक बॉटल मंगाई है और मैं रोज़ इसमें पानी भर के रखती हूँ और यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी मिली मुझे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके लिंक चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरीके से है, मतलब अच्छे से चूड़ियाँ दी हुई हैं तो पानी लीकेज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, मैं नॉर्मल वाटर, क्या आजकल तो हॉट वाटर पी रही हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिए अपना बहुत अच्छे से। तो ये प्रेस्टीज की बॉटल है जो मैंने मंगाई है। इसके बाद मैंने एक और चीज़ मंगाई है जो मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरे हैंड ग्लव्स ख़राब हो गए थे और आजकल मैं थोड़ा गार्डनिंग भी करती हूँ, मैं कुछ पॉट्स भी बना रही हूँ, तो मुझे चाहिए थे। तो ये इस पर ऑफ़र था, बाय वन गेट वन, तो मैंने ये वाला ऑफ़र अवेल किया और ये ले लिए मैंने। मेरे जो किचन में मैं यूज़ कर रही थी वो ख़राब भी हो गए थे, तो ये दो मैंने हैंड ग्लव्स मंगाए हैं, एक किचन के लिए और एक गार्डनिंग में। मेरा गार्डनिंग में या कुछ और काम करूँ, पेंटिंग वेंटिंग, तो उसमें काम आ जाता है। तो ये दो चीज़ें। इसके बाद मैंने मंगाया था ये वाला वेजिटेबल चॉपर, सेम इसी तरह का वेजिटेबल चॉपर एक और है मेरे पास, था मेरे पास, जो मैंने पहले अनबॉक्सिंग की थी और दिखाया था, उसका वीडियो ऊपर लिंक में आ रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सोलोमो ब्रांड का, जो कि अमेज़ॉन की ब्रांड है, इसके पहले मेरा डिफरेंट ब्रांड का था, वो गिर गया था और चटक टूट गया था, मतलब तो काफ़ी दिन से उस पर काम चला रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक और मंगा लेते हैं। तो ये एक और मंगाया है मैंने, इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली सेम है, बस ब्रांड अलग है, लेकिन हाँ प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी पहले से मुझे बेटर लग रही है और ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे, कूल लगा देखने में। पिछली बार वाला तो अलग टाइप का था, उसके ऊपर लिंक है या एंड स्क्रीन में लिंक दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका एक्चुअल प्राइस 700 है, लेकिन ये मुझे 300 के आसपास मिला है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप कि ये हॉल आपको पसंद आएगा। Amazon का शॉपिंग हॉल अगर आपको पसंद आया है और कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल्स अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स पे क्लिक करके आप उनकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप वहां से खरीद भी सकते हैं। तो अच्छा लगा है वीडियो, लाइक दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर बेल बटन ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे ऑल का ऑप्शन चूज करिएगा। और मेरे अमेजोन के और भी शॉपिंग्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली की हैं, उन सभी को चेकआउट कर लीजिए, उसकी लिंक ऊपर आ रही है, साथ में एंड स्क्रीन पे भी आएगी। और अगर आप सिंगापुर घूमना चाहते हैं तो सिंगापुर की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, लॉकडाउन डेज है, घर में रहिए, बिल्कुल जब इमरजेंसी हो तभी जाइए। बाय बाय, टेक केयर।